नमस्कार दोस्तों, मैं अमलिंदर कौर, माई डिप्रेंटिज्म चैनल कैनेडा, मेडिटेशन टीचर एंड ऑथर। दोस्तों, मेरा आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत सिंपल भी है। अगर आप इसको समझ लेंगे तो टॉपिक है कि दूसरों की नेगेटिविटी आपको उस वक्त तक इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती जिस वक्त तक आप उस नेगेटिविटी को अलाउ नहीं करते, इजाजत नहीं देते। एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। शिप जो है, पानी का शिप, वो पानी में ही रहता है, उसके आसपास पानी है, लेकिन वो पानी में तब डूबता है जब पानी उसके अंदर चला जाता है। बाहर पानी में वो उस पानी को यूज करके वो अपना काम करता है, वो पानी बाहर का समंदर उसको अफेक्ट नहीं करता, लेकिन जब थोड़ा 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 भी पानी उसके अंदर जाना शुरू हो जाता है तो वो शिप डूब जाता है, इतना बड़ा शिप डूब जाता है। इसी तरह से हमारा माइंड काम करता है दोस्तों। नो मैटर हमारे आसपास कितनी बड़ी नेगेटिविटी है, डज नॉट मैटर, हमारे आसपास लोग हमें क्या कह रहे हैं, डज नॉट मैटर। जब तक हम उस नेगेटिविटी को अलाउ नहीं करते, अब्सॉर्ब नहीं करते, अपने आप उसको अपने अंदर नहीं डालते, उसको अलाउ नहीं करते, वो नेगेटिविटी किसी तरह से हमें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो में एग्जांपल दी थी कि जैसे जबरदस्ती आपको कोई कुछ खिला नहीं सकता, आप खाएंगे, आपको कोई कुछ देता है आप उसको एक्सेप्ट करके खाएंगे तो ही वो आपकी बॉडी के अंदर जाएगा ना। जबरदस्ती आपको कोई कुछ पहनने को नहीं दे सकता, कोई देगा आप उसको पहनेंगे तो ही आप पहनेंगे ना, अगर आपका मन होगा। इसी तरह से नेगेटिविटी जबरदस्ती कोई आपको देने की कोशिश कर सकता है लेकिन दे नहीं सकता, आपके मन में नेगेटिविटी नहीं बढ़ सकता। वो तभी होगा, एक तो आप उसको अलाउ करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और दूसरा तभी होगा अगर आपके ऑलरेडी अंदर नेगेटिविटी भरी है, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। नेगेटिव लोग, जैसे डिप्रेस्ड लोग हैं, एडिक्शन वाले लोग हैं, वो लोग नेगेटिविटी को बहुत जल्दी ले लेते हैं। इसीलिए डिप्रेशन वाले जो पेशेंट है, छोटी सी इवेंट, छोटा सा कोई हालात चेंज हुआ और वो डिप्रेस हो जाते हैं, वो सुसाइड करने को चले जाते हैं। सो अगेन, एक आपने बाहर की नेगेटिविटी को अलाउ नहीं करना है अपनी जिंदगी में, और दूसरा अपने अंदर आपके ऑलरेडी जो नेगेटिविटी पड़ी हुई है आपने उस पर भी काम करना है, उसको आपने रिप्लेस करना है। रिप्लेस कैसे करना है, मेडिटेशन के जरिए करना है, अंडरस्टैंडिंग के जरिए करना है, पॉजिटिव बातें करके, पॉजिटिव लोगों से कम्युनिकेट करके, पॉजिटिव वीडियो देखकर, कुछ भी जो आपको मोटिवेट करता है, जो आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है, ना कि नीचे गिराता है, अपने वो चीजें देख के अपने मन को वो खाना देना है। जैसा हम अपनी बॉडी को खाना देते हैं वैसे ही हमें रिजल्ट मिलते हैं। सेम रूल माइंड पर अप्लाई होता है। जैसे व्यूज, विचार, आप थॉट्स अपने माइंड को देंगे, जो आप देखेंगे, जैसा आप सुनेंगे, जैसा आप पढ़ेंगे, वो ही आपके माइंड को फूड मिलता है, उससे माइंड अब्सॉर्ब करता है और वो ही आउटपुट होगी आपकी जिंदगी में। सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे बहुत सारी नेगेटिविटी है, जैसे आजकल कोरोना वायरस के बारे में इतनी जो है र्यूमर फैलाया जा रहा है, इतना डर फैलाया जा रहा है, इतनी फेक इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। तो दोस्तों, प्लीज़ आप इस सारी इन्फॉर्मेशन को अब्सॉर्ब मत कीजिए। आप डिसाइड कीजिए कि आपने क्या देखना है, जो चीज़ आपके काम आने वाली है उसको पिक एंड चूज कीजिए। कॉमन सेंस का यूज करना बहुत ज़रूरी है। हमारी अपनी कॉमन सेंस है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। सभी वीडियो पॉजिटिव नहीं है, सभी वीडियो रियल नहीं है, सभी फेक भी नहीं है, लेकिन सभी इन्फॉर्मेशन, टोटली इन्फॉर्मेशन जो है वो सच भी नहीं है। सो बी केयरफुल, नेगेटिविटी को फीड नहीं करना, और जो ऑलरेडी फीड कर चुके हैं उसको रिप्लेस करना है। आप हमारा माइंड डिफरेंटिज्म चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, हमारे छोटी छोटी वीडियो आपकी लाइफ को चेंज करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।